हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ईटेक ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले फ्रेम लोड, सेल्स लोड एंड जॉइंट लोड। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हम ईटेक्स में कोई मोटर बनाते हैं, लोड लगाते हैं, फिर जब हम कुछ और काम करते हैं लोड के अलावा तो तभी लोड हाइड हो जाते हैं और हमें लगता है हमने लोड नहीं लगाया। तो अब हम उनको कैसे डिस्प्ले करें? दरअसल लोड लगा होता है, केवल विजिबल नहीं होता, तो उनको कैसे हम विजिबल करें वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेंडर व्यू। तो ये हम चार टूल्स की आज बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत छोटी वीडियो होगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मॉडल, मुझे लगता है मुझे मॉडल बना के रखना चाहिए, टाइम लेता है ये। अगली बार से मैं मॉडल पहले तैयार रखूँगा तभी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मैट्रिक इंडियन एंड इंडियन कोड, ओके। डिफ़ॉल्ट ग्रीक हमने चूज़ की, और हम यहाँ पे ऑल स्टोर करने के बाद डिफ़ॉल्ट कॉलम बीम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं जो यहाँ पे आते हैं। ये मैंने बीम ड्रॉ किए, फिर मैंने कॉलम लिए और कॉलम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम कुछ स्लैब भी लगा लेते हैं, ये हमने स्लैब लगा दी। एक चीज़ बता दो, देखिए बेस पे भी स्लैब लग गई है, अभी कोई यहाँ पे स्लैब होती नहीं है, तो उसको डिलीट कैसे करें? हम प्लान व्यू पे जाएंगे और बेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वन स्टोरे होना चाहिए आपका, और मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा प्लान पे गए, नॉर्मल हो गए, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर को नॉर्मल देते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। तो अब हम लोड लगाते हैं कुछ। सबसे पहले मैं इस बीम के ऊपर, इस पूरे बीम के ऊपर UDL लगाता हूँ। जैसे टॉप पे टेरेस पे आपके एक 1 मीटर के करीब अराउंड एक वॉल होती है, पैरापेट वॉल से कहते हैं, उसका हम लोड कैलकुलेट करके लगाते हैं। उसी तरह मैं एक लोड लगा देता हूँ यहाँ पे असाइन, क्योंकि हम बीम के ऊपर लोड लगा रहे हैं तो फ्रेम लोड के अंदर आता है बीम और कॉलम। और UDL लगा देते हैं 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लग गया। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा स्लैब के ऊपर जो टॉप स्लैब है उनके ऊपर लाइव लोड लग रहा है 1.5 टेरेस पे, तो मैंने असाइन सेल्स लोड यूनिफॉर्म और यहाँ पे मैंने कर दिया लाइव लोड, यहाँ लग रहा है 1.5, ओके कर दिया हमने। देख रहे हैं आप स्लैब के ऊपर 1.5 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने प्लान वाली व्यू पे क्लिक करके लोड लगाया था तो यहीं पे शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, पर लोड हमारा वहाँ पर भी लगा हुआ है क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, जॉइंट लोड भी लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, इस जॉइंट पे और इस जॉइंट पे, असाइन जॉइंट लोड फोर्स FZ डायरेक्शन में -10, ओके ये लग गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3D पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस विंडो क्लोज कर देता हूँ, एक नई विंडो लेके आता हूँ, ठीक है ये रहा। और हम अब कुछ और काम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्लैब डिजाइन करता हूँ, स्लैब बनाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी लोड शो नहीं हो रहा है, अब मुझे लोड शो करने हैं, तो मैं 3D बेस्ड स्ट्रक्चर पे क्लिक किया या प्लान पे क्लिक कीजिए, 3D पे मैं कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट ये आपका क्या है, डिस्प्ले जॉइंट लोड। माउस का कर्सर ले आ रहे हैं तो खुद ही दिखा रहा है डिस्प्ले जॉइंट लोड। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि डेड लोड और ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये दो लोड आ जाते हैं आपके। फिर मैं जाता हूँ ये फ्रेम लोड है, इस पर क्लिक किया, ओके किया तो फ्रेम लोड आ गए। फिर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ ये सेल्स लोड शो करने के लिए, इस पर क्लिक किया तो ओके लॉक है। इसका मतलब डेड में सेल्स लोड लगा ही नहीं है क्योंकि हमने सेल्स लोड लगाया था लाइव में, ओके देखिए दिख गया। अब जो दूसरे लोड हैं हाइड हो गए हैं क्योंकि एक बारी में एक ही लोड टाइप दिखाता है। तो ये होता है हमारा लोड्स। अब देखिए रेंडर व्यू के बारे में बात करते हैं। तो हम जाते हैं व्यू में,
व्यू में आपका है एक रेंडर व्यू शो रेंड और एक रेंडर व्यू रे ट्रेसिंग। पहले रेंडर व्यू की बात करते हैं। जैसे आप रेंडर व्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए रेंडर व्यू तभी आपका वर्क करेगा जब आप 3D इस व्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रेंडर पे क्लिक किया आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करके इनको रोटेट कर सकते हैं कुछ। ये रोटेट टूल और जूम टूल और ये हैंड टूल है हमारा, ये रहा। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं हम रेंडर में ही, शो रेंडर ट्रेसिंग। इसमें क्या होता है, आपके लिए क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, बट इसके लिए आपके पीसी भी अच्छा होना चाहिए। देखिए मैं रेंडर करता हूँ तो शायद ये टाइम लेगा। क्योंकि इसमें सारे इफेक्ट, शेडो, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारे इफेक्ट आ रहे हैं। इसके लिए पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको रेंडर पे देख पाएंगे। तो ये वेट हो रहा है, मैं इस विंडो को चलिए पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये रेंडर हो चुका है, और रेंडर होते के साथ ही इसमें एक इमेज सेव करने के लिए आया है। तो डेस्कटॉप पे हम इमेज सेव कर लेते हैं रेंडर के नाम से। और ये देखिए ये है हमारा रेंडर व्यू, क्लिक करते ये चला जाता है। अब जो इमेज हमने सेव किया उसको देख लेते हैं हम। देखिए ये है हमारी रेंडर व्यू। उसको और अच्छी क्वालिटी में ला सकते हैं। अभी हमने लोकल लोकल क्वालिटी में निकाला है रेंडर, तब भी इसने 15 से 20 मिनट ले लिया है। तो ये है आपका रेंडर व्यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।